कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर में मृतक किसान के घर पहुंची और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मृतक किसान की बेटी और पत्नी को प्रियंका गांधी ने सांत्वना दी और उनका दर्द साझा किया। आपको बता दें कि ललितपुर में पिछले दिनों खाद की किल्लत की वजह से लाइन में लगे दो किसानों की मौत हो गई थी, तो वहीं दो किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण भी किसान के परिवारों ने खाद न मिलना ही बताया। दोनों घटनाओं के बाद ललितपुर में सियासी पार्टियों की हलचल तेज हो गई। कल जहां सपा महासचिव ने किसान परिवारों से मुलाकात की थी, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। देहरादून में हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम 7 नवंबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के शिल्पकार, हस्तशिल्प कामगार हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदार धाम पहुंचेंगे। एक तरफ भाजपा संगठन पीएम के दौरे की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस बीच हरीश रावत ने पीएम को दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ आ रहे हैं, ये उनकी श्रद्धा का विषय है, मगर केदारनाथ से कुछ जरूरी काम 5 सालों में शुरू नहीं हो पाए जो बेहद जरूरी थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रतिबंधित पटाखे बिके तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मनाए जाएंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता। अलास्का की बर्फीली ऊंचाइयों पर खत्म हुआ भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास। दो ऊंची चोटियों पर हुई फाइनल एसॉल्ट की ड्रिल। भारत और अमेरिका के बीच चल रहा सैनिक युद्धाभ्यास समाप्त हुआ। युद्धाभ्यास के अंतिम 4 दिन दोनों देशों की सेनाओं ने दो ऊंची चोटियों पर फाइनल एसॉल्ट की ड्रिल की।